भारत के संतों की कहावतें और कहानी। किसने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा की कहानी क्या। धरती पर संतों की कहानियां अपने आप में अलौकिक हैं। संतों का कहा एक एक शब्द जीवन दर्शन को समझाता है। संतों के लिए शास्त्रों में जिक्र है कि अपने लिए ना सोचने वाला और अपना वक्त दूसरों के परोपकार के लिए लगाना, ऐसे ही शख्स को संत की उपाधि से नवाजा गया है। ऐसे ही एक संत हुए हैं गुरु रविदास, जिनका जन्म काशी के एक चर्मकार कुल में हुआ था। संतोख दास इनके पिता और कलशा देवी रविदास जी की माता का नाम था। रविदास जी के दोहे और कई कहावतें आज भी बहुत प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ हर शख्स की जुमा पर होती हैं। ऐसी ही एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहावत जितनी सुनने में अजीब लगती है, उतना ही सार अपने अंदर रखे हुए है। इसका वास्तविक मतलब है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब मन शुद्ध है, नियत अच्छी है, तो वह काम गंगा की तरह पवित्र है। एक और अर्थ निकलता है कि नेकी और नियति से जनकल्याण के काम किए जाएं तो तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये कहावत कहां से आई और क्यों संत रविदास ने इसे कहा, इसके पीछे का सार क्या है। कहा जाता है कि एक समय संत रविदास अपने जूते बनाने के काम में लगे हुए थे। तभी उनके पास एक ब्राह्मण आता है और उनसे अपनी जूती को सुधारने के लिए कहता है। तभी संत रविदास उससे पूछते हैं कि श्रीमान आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर ब्राह्मण कहता है कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान से कितना अधिक पुण्य मिलता है। संत रविदास उनसे कहने लगते हैं कि सही कहा आपने, हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान से गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। तब ब्राह्मण ने उन्हें जूती सही करने की मेहनत के एवज में एक कौड़ी दी, जिस पर रविदास जी ने कहा कि आप इसे गंगा जी में मेरी भेंट कहकर चढ़ा दीजिएगा। ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। घर वापस लौटते वक्त उसे याद आया कि उसने रविदास की कौड़ी को गंगा में नहीं चढ़ाया। वो वापस लौटा और गंगा में रविदास की कौड़ी को उनके नाम से कहकर चढ़ा दिया। उस वक्त गंगा जी से एक हाथ निकला और उसे भेंट को स्वीकार किया। जब ब्राह्मण लौटने लगा तो उन्हें एक आवाज आई कि ये भेंट मेरी तरफ से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी ने ब्राह्मण को रत्न जड़ित एक कंगन दिया था, जिससे ब्राह्मण हैरान हो गया। वो उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उसने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर मैं ये कंगन रानी को भेंट दे दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। वो राजा के दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप वो कंगन दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। रानी ने कंगन देखा तो दूसरे हाथ के लिए ऐसे कंगन की मांग करने लगी। जब राजा ने पंडित से दूसरा कंगन मांगा तो पंडित के होश उड़ गए, वो घबरा गया। वो भागा भागा रविदास जी के पास पहुंचा और अपनी गलती मानते हुए सारी बातों को बता दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर संत रविदास को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्होंने उसे माफ कर दिया और अपनी कठौती निकाली, उसमें पानी भरा और माँ गंगा का आह्वान किया। कहा जाता है कि माँ गंगा उस कठौती में ही प्रकट हुई और रविदास की विनती पर दूसरा कंगन भी भेंट किया। तभी से ये कहावत अस्तित्व में आई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।